तो वेल गुड मॉर्निंग साथियों, आज तारीख हो गई है 4 दिन संडे और एक छोटी सी राइड रामनगर तक की अपने KTM वाले साथियों से मिलने के लिए। तो मैंने जितेंद्र भाई को कॉल कर दी है, उन्होंने अपनी लोकेशन मुझे सेंड कर दी है। फिलहाल मैं घर से निकल रहा हूँ, 11 बज चुके हैं, यहाँ से देखते हैं। तो जितेंद्र भाई मिलेंगे वहाँ, कुछ और लोग भी हैं जो मेरे साथी लोग मुझे वहाँ मिलेंगे, उन सबके साथ फिर रामनगर तक जाया जाकर छोटी सी ट्रिप करेंगे। वैसे जो हमारा RBC वाला ग्रुप है उसमें भी आज शाम को 4 बजे के बाद की राइड रखी हुई है, और अगर मैं 4 बजे तक वापसी आ गया तो एक बार फिर उनके साथ नैनीताल रूट पर राइड की जाएगी। अदरवाइज़ ये सब मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि जो चीज़ पहले डिसाइड हो चुकी होती है उसी को पहले अप्लाई किया जाएगा। ये रात से मेरी बात चली थी जितेंद्र भाई से, बहुत लंबे टाइम से हो रही है, 2 महीने बाद आज मैं उनसे मिलूँगा। तो ये कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जल्दी से जल्दी हल्द्वानी पहुँचूँ और जितेंद्र भाई को फॉलो करूँ। तो रास्ते ये रास्ते में भाई मिल गए थे एक मुझे, तो एक भाई मिल गया था मुझे जो पीछे से मुझे मिलने के लिए आए, स्पेशली बाइक देखने के लिए, तारीफ करने के लिए। तो अब यहाँ से चलते हैं, हम पहुँच गए हैं ये हल्द्वानी वाले मोड़ पर। ओहो हो भाई जी, ओवरलोड करके गाड़ी स्कूटी पे पूरा टेम्पू बना दिया है और फिर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो अब आ गए हैं हम हल्द्वानी वाले रूट पे। इस रूट पे भी अभी काम चल रहा है और इस रूट का इतना बुरा हाल है कि बाइक भगाई नहीं जा सकती, क्योंकि रास्ते इतने ख़राब हो गए हैं, खड्डे इतने हैं और JCB ने बकेट लगा लगा के लाइनें इतनी बना दी कि बाइक उसमें स्किट होती है। तो अपना जितनी आराम से और प्यार से सेफ राइडिंग होगी उतनी की जाएगी। देखो यहाँ पर ना सड़क किनारे आपको ये फल वाले मिलेंगे, और ये फल वाले लोगों का इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमारे यहाँ की मंडियों से फल लेके आते हैं, और जो बाहर से आई हुई गाड़ियाँ होती हैं उनको ये लगता है कि जंगल के अंदर कहीं इन सब फ्रूटों को बोया जा रहा है, इन सब के पेड़ हैं और अंदर ही कहीं बागानी हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया होता है कि ये आम में अमरूद के पत्ते और अमरूद में किसी और चीज़ के पत्ते, और यहीं से ही पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ के इनके बीच में लगा देते हैं, तो लोगों को ये फीलिंग होती है कि ताज़े फल हैं और ये बाज़ार से महंगे बेच रहे होते हैं। खैर गरीब लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं ये। कई बार हम लोग रुक जाते हैं ना यहाँ पर फल देख के कि भाई, तो ये फिर हमें भी नहीं बकसते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से, हमने पहली वाली क्रॉसिंग पार कर ली है, आगे चल के देखेंगे। जितेंद्र भाई ने जो मुझे वो भेजी है लोकेशन, उसको तभी देखेंगे जहाँ पर रुका जाएगा। तब तक गाड़ी खींचते हैं और मिलते हैं आगे। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ बेल बाबा मंदिर पर, और बेल बाबा मंदिर आने वाला है, और अभी भी यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का सफ़र और बचा होगा मुझे जितेंद्र भाई तक पहुँचने के लिए। जब मैंने शुरू में बाइक ली थी तो मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि मैं एक बार ना अपने लोकल के जितने भी जो आस्था के प्रतीक मंदिर हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जितने भी, उन सब पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो जय हो। तो बेल बाबा मंदिर से शुरुआत की जाएगी किसी दिन इन सब कामों की। तो अब यहाँ से निकलते आगे। तो अगर मैं अपने ही आसपास इर्द गिर्द 50-100 किलोमीटर तक के अगर मंदिरों को कवर करने की कोशिश करूँगा तो मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 20,000 रुपये का पेट्रोल फूकना पड़ जाएगा, क्योंकि इतने सारे मंदिर उत्तराखंड में हैं। इसीलिए धर्म और आस्थाओं के लिए उत्तराखंड की ज़मीन को देवभूमि कहा जाता है। तो कोशिश ये रहेगी। अभी हमारा प्लान है एक जागेश्वर धाम जाने का। मैं अपने साथ के लड़के जो हमारे यार दोस्त हैं, आवाद है, चीनू है, अंकित, डंपी और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सब लोग मिलकर एक प्लान बना रहे हैं, लेकिन ये प्लान काफ़ी लंबे टाइम से है, कहीं खाली प्लान ही ना रह जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक बार जागेश्वर जाने की, ये सब लोग बाइक से, जिसके पास जो भी जैसी भी बाइक है अपनी अपनी बाइक से जागेश्वर चलते हैं, एक नाइट स्टे वहाँ करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी वो प्लान मंगलवार हमारा डिसाइड हुआ है ट्यूसडे के लिए, तो देखते हैं। मैंने भी मैसेज तो कर दिया लेकिन मुझे कोई रिप्लाई आया नहीं है, तो अभी देखते हैं लड़के कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ पड़ी हुई तो सबके सब क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम हो नहीं पा रहा किसी के पास, क्योंकि खेल छुट्टियों में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है खेल को, लोग खेल को ज़्यादा वरीयता देते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल निकलते हैं आगे
कहीं पर रुक कर एक बार फ़ोन करके देखूंगा मैं जितेंद्र भाई को, और उन्होंने और भी किसी लोगों को बुलाया हुआ है। सागर को कॉल की थी हमने, सागर भाई ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की है, और मैसेज मैंने उन्हें कर दिया था लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। काफ़ी टाइम हो गया सागर भाई से मिले हुए भी, एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी के भाई था, हीरो टाइप आदमी है सागर भाई हमारा बिल्कुल। मैं तो पहली बार देख के उसे बिल्कुल तंग रह गया था, ये मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त वाली पर्सनालिटी उसमें सूट। बाइक उसके आगे छोटी लगती है, इतनी बड़ी बाइक उसके आगे छोटी लगती है, तो कभी समय मिलेगा तो सागर भाई के साथ भी एक छोटी मोटी राइड की जाएगी। और एक मेरे को बाजपुर वाले सोलो राइडर से एक दिन पर्सनली मिलने जाना है, वो बंदा वाकई में यार पहली रेडर में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था वो, क्योंकि वो पहले दिन जिस दिन हमारे साथ राइडिंग पे मिला था वो बाइक को कुछ इस तरीके से चला रहा था, अपनी यही एडवेंचर थी उसके बाद 250 cc, तो मैंने कहा यार ये तो छपरियों की तरह चला रहा है। इवन सबसे पहले हमारे ग्रुप में वही गिरा, ठीक है, वही स्कीड हुआ था उसमें ऑफ रोड में ट्रेल पे, तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा। लेकिन मैं वाकई में यार सैल्यूट है उस बंदे को, वो कितनी राइड करता है, मतलब बाइक के पैसे वसूल अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है उसकी, मतलब राइड देखो हमारे बात से वो एक बार धार चूला ये भी हो आया है, लंबे टूर भी मारे है, लोकल में भी ट्रेल कर लिया। उसने मुझसे अभी बोला था ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो मेरे साथ का कोई बंदा तैयार नहीं हुआ, तो मैं तैयार नहीं हो पाया, तो इसके बाद अगले दिन जब होगा तो मैं एक बार उससे मिलकर जरूर आना चाहूँगा, पर्सनली मिलने जाऊँगा मैं उससे, क्योंकि यार वाकई में वो नेक्स्ट लेवल बंदा है, ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और रियल बाइक करे वो, ठीक है, जो पूरा इस्तेमाल कर रहा है अपनी बाइक का। तो चलिए मिलते हैं, बाकी कहीं रुकते हैं और एक बार जितेंद्र भाई को कॉल करते हैं, क्योंकि मैं हल्द्वानी पहुंच चुका हूं, तो देखता हूं जितेंद्र भाई कहां मिलेंगे, उन्होंने मेरे को लोकेशन तो सेंड की है,